उसको जब तक उसका सत्यानाश ना कर दूं मैं, दिख जाएगा नहीं इस साइड, दिख जाएगा नहीं इस साइड, दिख जाएगा तब दर्द। So hi guys, welcome or welcome back to my channel. And if you're new to my channel, then please do subscribe and hit the bell icon. So here I am with a haul video. So this is my second haul video. मैंने पहले भी haul video बनाई थी, जो कि Amazon haul था, और इस बार भी Amazon haul ही होने वाला है. So इस video में सिर्फ tops होने वाले हैं, मतलब bottoms नहीं होने वाले, क्योंकि मैं बॉटम्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे पास जो भी बॉटम है ना, मैं उसको जब तक उसका सत्यानाश ना कर दूँ मैं, तब तक और बॉटम्स खरीदती नहीं हूँ. मतलब ऐसे एक दो पेयर्स तो हैं, बट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेती किसी. तो अभी इस वीडियो में सिर्फ टॉप्स होने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं हॉल वीडियो. स्टार्ट करते हैं ओवरसाइज टी शर्ट से, और इस हॉल में ज़्यादा ओवरसाइज टी शर्ट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ओवर, मतलब जितने भी कपड़े हैं ज़्यादा टी शर्ट्स ही है. और वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा चूज़ करती हूँ कंफर्ट ओवर फैशन. बट मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा वार्डरोब अपना स्टाइलिंग चेंज करूँ और फैशन ओवर कम्फर्ट भी ऐसे क्लोथ्स लूँ. बट अभी के लिए मैंने कम्फर्टेबल ही कपड़े लिए हैं, तो मैं अभी वही दिखाऊँगी. सबसे पहली टी शर्ट है ये, दिस इज़ अ रॉयल ब्लू टी शर्ट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. मैं आपको ऐसे बताती हूँ, मैं पता है एक्चुअली क्या सर्च कर रही थी, मैं देख रही थी, मतलब जैसे वीडियोज़ भी बनानी होती है या फिर कभी कहीं पे भी, मतलब फोटोज़ वगैरह भी लेनी होती है ना, तो लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं ना, उनमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छी नहीं आती. और वैसे भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब लाइट कलर सूट करते हैं मेरे पे, बट मुझे चाहिए था कि मेरे पास कुछ बोल्ड कलर्स हो. और मैं ना रॉयल ब्लू और रेड को स्पेशली ढूंढ रही थी कि मतलब मुझे इनमें कुछ मिल जाए. और मुझे, और मैं सच बताऊँ, मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी मतलब जब समर चल रही थी ना, तब से मैं ढूंढ रही थी और मुझे मिल ही नहीं थी. मतलब मिल तो रही थी, बट मतलब कॉटन ब्लेंड वाला कपड़ा मिल रहा था, कॉटन नहीं मिल रहा था. और ये कॉटन का कपड़ा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये टी शर्ट. एंड दिस इज द प्रिंट, इतना सा ही प्रिंट है. मैंने पहले दो टी शर्ट्स ली थी अमेजोन से, जो मैंने फर्स्ट हॉल में अपने डाली है, तो उसमें मैंने एक ब्लैक टी शर्ट ली थी, उसमें ना इतना ऐसे बॉक्स वाला ग्राफिक प्रिंट था, जो मतलब मुझे इतना पसंद नहीं आया, मेरे ऊपर मतलब सूट नहीं करा. तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी, मतलब बोल्ड कलर्स भी मिल जाए मुझे और उसमें इतना ज़्यादा ग्राफिक प्रिंट भी ना हो, मतलब ऐसे नॉर्मल सा हो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे पे. मतलब आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, बट मुझे इतना सा ही प्रिंट पसंद है, इतना या इससे भी कम. सो दिस इज लव, बहुत ही अच्छी टी शर्ट है ये, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है. दिस हाउ इट लुक्स, इसमें ये ऑरेंज और वाइट कलर का ग्राफिक प्रिंट है, और इसका आप फैब्रिक देख सकते हो, काफ़ी मतलब अच्छा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है. और मतलब जैसे मैं थोड़ी पतली हूँ ना, तो मेरे पे थोड़ा ऐसा फैब्रिक अच्छा लगता है. मतलब जो मैंने ब्लैक वाली टी शर्ट ली थी ना, अगर आपने हॉल वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ आएगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ, कि जो मैंने ब्लैक टी शर्ट ली है ना, उसका जो फैब्रिक था वो मुझे पसंद नहीं आया. शायद वो कॉटन नहीं था, कॉटन ब्लेंड था, या पता नहीं कुछ तो अलग सा ही था, तो वो काफ़ी मतलब थिन मटेरियल था, तो वो मेरे पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था. और उसका ग्राफिक जो इतना बड़ा प्रिंट था, वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया मेरे ऊपर. तो ये मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी, इसको मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया है. और इसका प्राइस जो भी है वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए पूरी स्क्रिप्ट बना के नहीं बैठी थी. मैं बस उठाया सब सामान और बस वीडियो बनानी शुरू कर दी, तो मैंने कुछ लिख के नहीं रखा कि कितना प्राइस था क्या था, बट मैंने अपना पहनते हुए टैग देख लिया था कि इस पर मीडियम साइज़ लिखा हुआ है. सो इसलिए मुझे पता है कि मैंने मीडियम साइज़ ऑर्डर किया है. बाकी आपको साइड में दिख जाएगा, नहीं इस साइड दिख जाएगा, नहीं इस साइड दिख जाएगा, कि कैसा लग रहा है ये, मतलब पूरा फुल लेंथ वगैरह यहाँ पे आपको पता चल जाएगी. अगर आपको ऐसे कुछ बोल्ड कलर्स चाहिए ना, तो यू कैन गो फॉर इट. ये मैं आपको पक्का पक्का रेकमेंड करूँगी. मैं आपको अपने हॉल का सभी कुछ रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मेरा सभी कुछ पसंद आया. और हाँ, एक टॉप है इस हॉल वीडियो के लिए, जो मैं सबसे एंड में रख रही हूँ, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसको आप ये बोल सकते हो फैशन ओवर कंफर्ट. मतलब मोस्टली लोग वो पहनते होंगे, मतलब बाकियों के लिए नॉर्मल होगा, बट मैं हमेशा ओवरसाइज टी शर्ट्स ही खरीदती हूँ, तो मेरे लिए वो कुछ अलग है, बाकी आपके लिए नॉर्मल हो सकता है, बट वो क्यूट है, तो मैं उसको एंड के लिए रखूँगी, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी. तो अभी मैं आपको सेकेंड टी शर्ट दिखाती हूँ. ओके, सो सेकेंड टी शर्ट जो है वो ये है,
रेड कलर की जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है। मैंने आपको कहा था ना मैं रॉयल ब्लू और रेड कलर ढूंढ रही थी और मुझे दोनों के दोनों मिल गए और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस। जहाँ तक मुझे याद है इनके प्राइस 279 ईच थे, तो आई थिंक काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे अमेजोन से मिल गया है। फैब्रिक भी इतना अच्छा है। इस पर मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, इस पर मेड लिखा हुआ है वाइट कलर से और देखो इसमें प्रिंट बिल्कुल उतना ही है जितना मुझे पसंद है। रेड टी शर्ट वाओ, रेड टी शर्ट जैसे कि लोगों को दिख नहीं रहा है ये रेड टी शर्ट है। ओके सो दिस ओवर साइज टी शर्ट, ये भी मैंने मीडियम साइज में ऑर्डर करी है और ये कुछ ऐसे लग रहा है। इसका मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ, देख लो बहुत ज़्यादा सही है इसका मटेरियल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका कपड़ा और दोनों के साइज़ एक जैसे ही है वैसे। बाकी मैं यहाँ पे डाल दूँगी कि मतलब कैसी लग रही है मेरे पे, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सो या मुझे बहुत अच्छी लगी है, दोनों टी शर्ट्स मेरी फेवरेट है और एक और जो टॉप है वो मेरा फेवरेट है इस हॉल से। तीन चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, तो दो मैंने आपको दिखा दी, एक मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। तो अब हम दिखाते हैं आपको थर्ड ओवरसाइज टी शर्ट। ओके सो नेक्स्ट टी शर्ट है ये वाली, दिस इज ग्रे टी शर्ट बोल सकते हैं, ग्रे भी नहीं थोड़ा ब्लैकिश ग्रे है ये, मतलब प्योर ग्रे नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली, इसका ना मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन वाली टी शर्ट से। और मैं ये बताती हूँ, मैं ये चीज़ बता दूँ, इसका मटेरियल अच्छा इसीलिए है क्योंकि ये महंगी है। ओके और मुझे एक, मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास ब्लैक टी शर्ट जो है और मेरे पास एक और वाइट भी है, दोनों का मटेरियल ऐसा है, मतलब ब्लैक का तो बेकार ही है वाइट का ऐसा है, तो मुझे चाहिए था कुछ मटेरियल ऐसा हो जो मतलब जैसे मैं थोड़ी पतली हूँ तो थोड़ा थिक फैब्रिक में मेरे को कुछ चाहिए था। मतलब ये वाला फैब्रिक तो है ही अच्छे, बट एक ऐसा भी मतलब ऐसी भी ओवरसाइज टी शर्ट हो जिसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा हो, तो मैंने बस एक ही में वो इन्वेस्ट करा है और वो है ग्रे, क्योंकि ग्रे भी कलर मेरे पे सूट करता है, इसे मैंने नोटिस किया है, तो मैंने इसीलिए ये वाला कलर लिया। और ये बिल्कुल प्लेन है, और अगर आप अमेज़ॉन से ओवरसाइज टी शर्ट्स पहले से लेते हो ना, या फिर आपने कभी ली है या फिर आप कभी सर्च भी करते हो, तो आपने हमेशा देखा होगा बेसिक है या जो भी पढ़ लो इसको, ऐसे देख लो उल्टा दिख रहा होगा वैसे तो ये जो बेसिक की टी शर्ट्स होते हैं काफ़ी मतलब वो लोग रेकमेंड करते हैं। और मैंने देखा भी मतलब ऐसे ना, मेरे को उसमें अमेज़ॉन पे जब वो मॉडल को दिखाते हैं तो पता लग ही जाता है कि फैब्रिक अच्छा लग रहा है, देखने से पता लग जाता है, पता नहीं आपको लगता है नहीं। वैसे मैंने मोस्टली देखा, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता लगता कि इसमें का फैब्रिक कैसा है, बट मेरे को लग जाता है पता, यहाँ पर दिख जाएगा कि ये कैसी लगी। ठीक है, तो मेरे पास वैसे भी कोई प्लेन टी शर्ट्स हैं नहीं, मतलब ऐसे कभी नॉर्मली मैं कॉलेज वगैरह भी जाना हो ना, मतलब कॉलेज वगैरह भी जाना, कहीं पे भी जाना हो, तो मैं प्रेफर करती हूँ कंफर्ट क्लोथ्स ही, तो मैं इसीलिए चाह रही थी कि मेरे पास कुछ एक बहुत अच्छा क्वालिटी का भी हो, तो इसलिए मैंने एक ये ली है। सो मेरे सारे फेवरेट कलर्स ऑलमोस्ट मेरे पास आ चुके हैं, बस ब्लैक में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ब्लैक भी लूँगी मैं कोई एक अच्छी सी मिलेगी जब। सो अभी तो विंटर्स आ रही तो अभी ले नहीं सकते। अब हम दिखाते हैं आपको चौथा टॉप, जो कि टॉप ही है, वो ओवरसाइज टी शर्ट नहीं, ओवरसाइज टी शर्ट खत्म। ओके सो मैं लेकर आती हूँ, और टॉप है ये, दिस इज क्यूट बेबी पिंक कार्डिगन, जो बहुत मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था, मतलब मैंने ऐसे रील्स वगैरह में देखा था तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये किए लिया है। और ये इतना स्ट्रेचेबल है, और इसमें मैंने कौन सा साइज लिया है इस पर लिखा ही नहीं है, शायद ये वन साइज होगा, मैं देख के बता दूंगी। आप अंदर से कोई टैंक टॉप डाल सकते हो कि आप कैमल टॉप डाल सकते हो और उसको फिर ऐसे बांध सकते हो बाहर से, अगर आपने बांधना नहीं तो खुला भी छोड़ सकते हो। और ये कैसे लग रहा है वो यहाँ पे देख लेना, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी चल सके, वरना मैं बोल के हट जा रही हूँ तो आप लोग अच्छे से देख नहीं पाओगे। तो देखना तब देख ली। ओके तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा टॉप है, रेड है, और मतलब इसमें शायद अगर ये वन साइज है तब तो ये हर किसी को आ जाएगा। इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी छोटी है, क्रॉप अगर आप पहनते हो तो आप ही ले सकते हो, वरना आप ओवर साइज टी शर्ट्स ले सकते हो। अब मैं आपको अपना सबसे प्यारा क्यूट टॉप दिखाने वाली हूँ। सो गाइस आर यू रेडी, तो 1 2 3 This is my cute top. मैंने पहली बार कोई फिटिंग
फिटिंग बोल रही हूँ यार, फिटेड बोल रहा है, फिटेड टॉप लिया है। नहीं वैसे मैंने लिए हैं बट ऐसे क्रॉप टॉप्स लिए हैं, बट थोड़े से थोड़े हल्के हल्के लूज लिए हैं, और ऐसे टाइप में तो कोई भी नहीं लिया मैंने जिंदगी में आज तक। ये मेरा पहला टॉप है और इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, ब्लू कलर में। बैक है वो थोड़ी सी डीप है, दिस इज हाउ इट लुक्स। बाकी डीप वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएगा बैक कितना है और फ्रंट कैसा लग रहा है। बाकी इसका फैब्रिक मुझे नहीं पता कौन सा है, बट बहुत अच्छा फैब्रिक है। ये देखो इसमें ना लाइनिंग है शायद, या पता नहीं, काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से ये ऐसा है, इसकी जो स्लीव्स है वो आगे से ऐसे स्ट्रेचेबल है, यहाँ पे रबड़ लगा हुआ है, और ये भी इसकी जो नेक है ना यहाँ पे भी रबड़ लगा हुआ है। एक सेकेंड, हाँ इसकी जो नेक है यहाँ पे भी रबड़ लगा हुआ, मैं दिखा रही थी, ये भी स्ट्रेचेबल है। बाकी बट शायद इसमें साइजेस थे, हाँ इसको मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया है। नीचे यहाँ पे भी ये स्ट्रेचेबल है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो अगर आपको लेना है तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।